हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरला अमिता। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, वो भी जीरो कास्ट में। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने जो घर में ही बेकार सामान था उससे, यदि आपके पास भी इस तरह से कोई बेकार लेस वगैरह साड़ी की या कुछ भी दुपट्टे की हैं तो उन्हें फेंकिए मत। एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए उसका माप वगैरह लेते हैं और फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उसका माप ले रही हूँ। हमें जितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है उसके हिसाब से हम यहाँ कार्डबोर्ड को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच और यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से इसका नाप ले लिया है। तो आप भी जब कोई ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो उसकी लेंथ इस तरह से माप कर लें, उसी हिसाब से आप कपड़ा या लेस या जो भी है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच और ये 15 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई नाप ली है। अब मैं इसके हिसाब से इसे थोड़ा सा मजबूत करने के लिए और भी कार्डबोर्ड काट कर और इस तरह से इसमें लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं उसी नाप से कार्डबोर्ड के पीस निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको काट के सावधानी पूर्वक चीज़ों का उपयोग करें, ये बहुत नुकीली चीज़ें होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से मैंने इसका एक पीस निकाल लिया है और अब जो बीच में और आजू बाजू में है तो उसमें मैं ये कार्डबोर्ड लगाकर इसे एक थोड़ा सा थिकनेस दे दूंगी जिससे कि ये मजबूत सा हो जाएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं तो ये सालों साल चलते हैं तो उनको थोड़ा सा मजबूत भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा दूंगी और इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका दूंगी। ग्लू गन भी गर्म होती है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ही आप कोई भी काम करें। तो बस मैंने यहाँ पर इस तरह से ये कार्डबोर्ड इसमें चिपका कर और इसे थोड़ा सा हार्ड कर लिया है। चारों तरफ इस तरह से चिपकाऊंगी। तो हम कोई भी वजनदार सामान रखें तो ये टूटे ना, बस मैं इसी तरह से इसे चिपका कर तैयार कर लूँगी। ये तो सब अपने यहाँ आते ही हैं अमेजोन से या जो भी हम सामान परचेज करते हैं तो उसमें बॉक्स वगैरह आते हैं। आपको लगता है ये हमारे काम का है इस लेंथ का, तो हम उसे रख लेंगे और इस तरह से अपने लिए कुछ भी DIY ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये देखिए, पुरानी साड़ियों की जो लेस थी वो मैंने कभी काट कर रखी थी और मैंने आज कुछ ढूंढ रही थी तो उसमें मुझे मिली, तो मैंने सोचा इससे एक मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो बस मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये 2-3 साड़ियों की लेस कभी निकाल कर रखी थी मैंने, वो आज काम में आ जाएगी। तो जीरो कास्ट में मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा DIY बन जाएगा जिसमें मैं अपने प्रेस किए हुए कपड़े रख सकती हूँ, इस साइज का है ये, या फिर कोई भी घर का सामान जो इधर उधर रहता है वो इसमें रख सकते हैं हम। तो बस ग्लू गन लगाते हुए मैं इसे पूरी तरह से कवर कर दूँगी, इससे इसको
मजबूती मिल जाएगी और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, 4-5 साल आराम से चलते हैं। मेरे पास इस तरह से बनाए हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं जिनमें मैं अपने घर का तरह तरह का सामान स्टोर करके रख देती हूँ कबर्ड के अंदर, तो वो अच्छे से हमें मिल जाता है कि कौन से ऑर्गेनाइज़र में क्या सामान रखा है, और मैं उस पर लिख कर भी चिपका देती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी रहती है सामान निकालने में। बस इसे हम इस तरह से लगाकर देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है ये लेस से। हम इस पर लेस नहीं है तो कपड़े से भी बना सकते हैं, मगर मेरे पास तो ये बेकार ही रखी हुई थी तो मैंने सोचा ये यहाँ पर मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो मैंने ग्लू गन को लगाते हुए इसे अच्छे से कवर कर दिया है। बस ऐसे ही लगाते हुए चारों तरफ हम अच्छे से इसे कवर कर देंगे। इसे 5 सेकंड तक इस तरह से दबा कर रखेंगे तो ये निकलेगी नहीं, अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। हाथ फेरते हुए इससे जो ग्लू गर्म होती है तो ये आराम से चिपक जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि सब लोग नहीं बताते हैं, बस बनाना दिखाते हैं। ग्लू गन से कभी भी कुछ चिपकाते हैं तो उसे 10 सेकंड के लिए पकड़ कर भी रखना चाहिए जिससे कि वो चीज़ वहाँ फिक्स हो जाए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कुछ कार्डबोर्ड का पीस ले लें, उससे दबा कर रखें उसे। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप देखते जाइए। इस तरह से मैं इसे पूरे को कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर मैं इसे अच्छे से चिपकाते जा रही हूँ जिससे कि ये खुले ना। दोनों साइड से ग्लू लगा देंगे तो ये बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। बस हम पूरे बॉक्स को इसी लेस से इस तरह से मैं कवर कर दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड उठा लिया है और इसे इस तरह से प्रेस कर दिया है। यदि हाथ जलने का डर लगे तो आप ऐसे ही कार्डबोर्ड लेकर और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। ये देखिए चारों तरफ मैंने इसे लगा दिया है। बॉक्स को घुमाते जाएंगे और इसे अच्छे से लगाते हुए लेस को चिपकाते जाएंगे। यदि लेस ज़्यादा सिकुड़ी हुई है तो उस पर आप प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं जिससे कि फिनिशिंग के साथ वो चिपक जाए। तो देखिए ये कवर हो चुका है, बस एक पट्टी और लगेगी इसमें, और चारों तरफ से अच्छे तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है। अब मैं इसे अंदर भी इसी तरह से दूसरी लेस लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए पुरानी लेस का उपयोग हो गया और उससे हमने एक बहुत ही काम का ऑर्गेनाइजर बना लिया है। घर में छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं उनको हम इसे में आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाएं और अपने घर में जो भी सामान है उसे इसमें स्टोर करके रख सकते हैं तो आसानी से सामान मिल जाता है। तब मैं और लेस है जो मेरे पास वो अंदर लगा दूंगी।
तो यहाँ पर मैं अब अंदर की साइड से लेस लगा दूंगी, बाहर कंप्लीट हो गया है। इस तरफ मैंने देखिए लेस लगाना शुरू कर दी है, तो यहाँ पर मैंने अंदर की साइड भी अच्छे से ये फिनिशिंग से लेस लग जाए इसलिए मैंने पहले इस पर ग्लू लगा दी है चारों तरफ अच्छे से उंगली से। और अब मैं इस पर, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर इसके साइज का ये कपड़ा काट कर रख लिया है, तो वो प्रेस करके इस तरह से चिपका दिया है, तो इससे ये मुड़ेगा भी नहीं और कोई सल भी नहीं आएंगी। तो ये छोटी मोटी बातों को ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर यहाँ पर ये तैयार हो गया है। देखिए तो इसमें आप जो भी छोटे मोटे सामान है वो भर कर रख सकते हैं, और देखने में भी बुरा नहीं लगता इस तरह से, और व्यवस्थित दिखती हैं चीज़ें, और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होती हमें जब हम इस तरह के छोटे मोटे DIY बनाकर और अपने छोटे मोटे सामान रख देते हैं उनमें। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जीरो कॉस्ट बनकर तैयार हो गया है। आप लेस की जगह इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं, नया या पुराना कोई भी कपड़ा लगाकर आप इस तरह से DIY बना सकते हैं जो कि सालों साल चलते हैं और अच्छे खासे स्टोरेज बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमिता, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।